वेलकम टू जी के लर्न दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य। इससे एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में, तो अब हम ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो फारसी की हम बुक्स देखेंगे, जैसे कि रामायण का फारसी में अनुवाद किया था तो किसने किया था, बदायूनी ने किया था। फिर आता है भगवद गीता, भगवद गीता लिखी किसने, राजा टोडामल ने फारसी भाषा की। योग वशिष्ठ फारसी में किसने लिखा, दारा शिकोह ने। बावन उपनिषद इसी को बोलते हैं, सिर ए अकबर दारा शिकोह ने लिखा था फारसी में। अथर्ववेद को फारसी में किसने अनुवाद किया, तो सर हिंदी ने। अथर्ववेद किसने लिखी, सर हिंदी ने फारसी भाषा में। अब कोई पूछ ले कि कलीला और दिमना क्या है, तो भैया एक और कुछ नहीं, पंचतंत्र है। आपका होमवर्क यह है कि आप बताओगे कि पंचतंत्र को किसने लिखा है, ठीक है। और ये तो फारसी में अगर बोलेंगे, फारसी में लिखा है मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने। क्या लिखा, कलीला और दिमना। फिर लीलावती ये गणित की बुक है, फैजी ने लिखी है फारसी लैंग्वेज में। फिर कालिया दमन इसी को बोलते हैं अयार ए दानिश, ठीक है, अयार ए दानिश। और अबुल फजल ने लिखी है फारसी में इसको। अकबरनामा आईने अकबरी ये अबुल फजल ने लिखी है फारसी में। फिर बाबरनामा अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा है फारसी में। हुमायूं नामा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता भी होना चाहिए कि गुलबदन बेगम ने इसको लिखा है। केबीसी में भी ये पूछा गया था फारसी लैंग्वेज में। फिर आता है तुजुके बाबरी, ये बाबर ने स्वयं की आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में, तू तू तुर्की तुजुके। फिर तुजुके जहांगीरी, अब जैसे कि तुजुके लगा था ना, तो स्वयं की आत्मकथा, वैसे ही बाबरी तो बाबर की, अब जहांगीरी तो जहांगीर की आत्मकथा। फिर जहांगीर ने इसको लिखा क्योंकि खुद के बारे में आदमी खुद ही बताएगा, लेकिन किसी किसी की मदद ले ली भैया, जो अच्छा लिखने वाला है वो बता दो, जैसे कि मोहम्मद खां और मोहम्मद हादी ने मिलके मदद कर दी इसकी और बुक लिख दी फारसी लैंग्वेज में। फिर इकबाल नामा ए जहांगीरी ये लिखी है मोहम्मद खां बख्शी ने फारसी लैंग्वेज में। फिर आती है मुंतखब उल तवारीख, ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है फारसी लैंग्वेज में। महासिरे जहांगीरी ये लिखी है ख्वाजा कामगार ने फारसी लैंग्वेज में। तबकात अकबरी ये लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने फारसी भाषा में। शाहजहां नामा ये लिखी है इनायत खान ने फारसी में। नुस्खा ए दिलखुशा ये भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखी है ये फारसी लैंग्वेज में। और फिर आलमगीर नामा लिखी है मिर्जा मोहम्मद कासिम ने। और ये आया हुआ क्वेश्चन जो अभी आया था, कब आया था, 25 जुलाई 2021 को प्रीलिम्स में आया था एमपीपीएससी के, कि मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है। चार ऑप्शन थे इसमें, साकी मुस्तैद खां, हातिम खां, काजिम शिराजी और खफी खां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, साकी मुस्तैद खां, ठीक है। फिर ये हमने यहाँ भी इसका नाम देख लिया क्या है। अब ये बार बार तो ये नहीं पूछेगा कि भैया इसकी बुक किसने लिखी, किसने लिखी। अब ये क्या पूछ सकता है कि किस लैंग्वेज में है, तो हम बता देंगे कि ये मुगलकालीन साहित्य है फारसी लैंग्वेज का। और फिर बाद में आता है फतवा ए आलमगीरी, फतवा ए आलमगीरी ये लिखी है शेख निजामुद्दीन अहमद ने फारसी में। फिर पादशाह नामा ये तीन लोगों ने मिलकर लिखी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, मोहम्मद अमीन ने और मोहम्मद वारिस ने। क्या लिखी, पादशाह नामा, तीन है ना, पादशाह नामा, तो तीन लोगों ने मिलकर लिखी फारसी में। फिर तारीख ए रशीदी ये लिखी है मिर्जा हैदर दुगल्लत ने फारसी में। फिर ताजकिरात उल वाकियात ये लिखी है जौहर आफताबची ने। फिर तवारीख ए दौलत ए शेर शाही ये लिखी है हसन अली खां ने। तारीख ए शेर शाही ये लिखी है अब्बास खां सरवानी ने। दीवान ए मखफी ये लिखी है औरंगजेब की पुत्री जेबुन निसा ने। फिर हाशिम खफी इन्हीं को क्या बोलते थे, खफी खां, तो इन्होंने क्या लिखी है, मुंतखाब उल बाव और इसी को बोल सकते हैं तारीख ए खफी खां। फिर आती है खुलासत उल तवारीख ये लिखी है सुजान राय ने। और फतुहात ए आलमगीरी लिखी है ईश्वर दास ने। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।